जिला अधिकारी रामपुर के प्रयास लगातार देहात के लिए वरदान साबित हो रहा है, तो वही दूसरी ओर जिला अधिकारी के किए गए कार्य को पलीता लगाने में लगे हैं लोग। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया। तहसील सदर के गांव मिलक तहब्बर अली खान उर्फ नया गांव से, जहां काफी प्रयासों के बाद खुले चक्रोड को खुलेआम जोत रहे अगल बगल के खेत स्वामी, जबकि तीन गांव के नौनिहाल जाते हैं उसी रास्ते से पढ़ने स्कूल। आपको बता दें, गांव मिलक तहब्बर अली खान उर्फ नया गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे इसी चक्रोड से होकर गुजरते हैं और इस चक्रोड को आसपास के खेत मालिकों ने दबा रखा है। स्कूल के स्टाफ ने कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की है और गांव वालों ने भी इसकी शिकायत प्रधान महेंद्र लोधी, रोजगार सेवक मोहन लोधी से की है, पर हर बार को दोनों ने अनसुना कर दिया है। इस चक्रोट के लिए कई बार ग्रामवासी अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, पर कोई कार्यवाही इन दबंग खेत मालिकों के खिलाफ किसी ने भी कार्यवाही नहीं की है। अब निर्वर्तमान जिलाधिकारी रामपुर के द्वारा चलाए जा रहे कब्जा मुक्त अभियान को देखते हुए ग्रामीणों की आस जागी है और अब गांव वालों ने प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी रामपुर को डाक के माध्यम से भेजा है। जबकि जिलाधिकारी द्वारा चलाए जा रहे अभियान में सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पर शिकायतकर्ताओं के लिए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से शिकायत लेकर उनका निस्तारण खुद अपनी देखरेख में करा रहे हैं। अब देखना ये है कि इस खबर को देखकर क्या जिलाधिकारी रामपुर एक्शन लेते हैं, इन दबंग कब्जा धारकों के खिलाफ क्या मुक्त हो पाएगा गांव मिलक तहब्बर अली खान उर्फ नया गांव का चक्रोट।